तो क्या फाइनली हमारी करोड़ इंडियन BTS आर्मी का सपना पूरा हो चुका है, जिस सपने को हम सालों से देख रहे थे कि कब कोई इंडियन सेलिब्रिटी हमारे फेवरेट के पॉप आइडल BTS के साथ हमें देखने को मिलेगा? और ये सपना किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन सुपरस्टार एक्ट्रेस दिशा पटानी ने पूरा किया है। क्या सच में इंडियन सुपरस्टार एक्ट्रेस दिशा पटानी 2 दिन पहले जापान में हुए काल्विन क्लाइन इवेंट में BTS सुपरस्टार जॉन जंगकुक से मिली? क्या उन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात की? क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जिस इवेंट में जॉन जंगकुक 2 दिन पहले पहुंचे थे उस इवेंट को दिशा ने भी अटेंड किया था। न सिर्फ इस बात को दिशा ने बल्कि खुद काल्विन क्लाइन ने खुद सोशल मीडिया पर कंफर्म किया है। तो क्या सच में दिशा पटानी और जंगकुक की मुलाकात हो पाई? क्या हमें सच में एक इंडियन एक्ट्रेस जंगकुक के साथ देखने को मिली या नहीं? चलिए जानते हैं इसकी सारी डिटेल। तो आर्मी, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जंगकुक 2-3 दिन पहले जर्मनी में थे, जहां वो अपनी आने वाली गोल्डन एल्बम की शूटिंग के लिए गए थे। लेकिन अचानक खबर आती है कि जंगकुक तो टोक्यो के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां जंगकुक को काल्विन क्लाइन का जापान में होने जा रहा एक बहुत बड़ा इवेंट अटेंड करना है। और शाम को फाइनली जंगकुक उस इवेंट में पहुंचे। पूरे शो की मेन हाईलाइट जंगकुक रहे। इस इवेंट से हमें जंगकुक की बहुत सारी वीडियोज भी देखने को मिली। पर 2 दिन पहले इंडियन BTS आर्मी और भी ज्यादा क्रेजी तब हो गई जब काल्विन क्लाइन ने एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने सभी सेलिब्रिटीज को ट्रिब्यूट दिया जो इस इवेंट में पहुंचे थे। और आप यकीन नहीं मानोगे कि दिशा पटानी भी उनमें से एक थी। जी हाँ, यानी कि जंगकुक ने काल्विन क्लाइन के जिस जापानी इवेंट को अटेंड किया था, उसे अटेंड करने दिशा पटानी भी पहुंची, क्योंकि वो भी काल्विन क्लाइन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जब से जंगकुक काल्विन क्लाइन के ब्रांड एम्बेसडर बने, हम इंडियन फैंस हर बार ये बात बोलते रहते थे कि क्या हमें कभी जंगकुक और दिशा पटानी एक साथ किसी इवेंट में देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में जब दिशा पटानी और काल्विन क्लाइन दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर इस इवेंट की फोटोज पोस्ट की कि दिशा पटानी भी इस इवेंट को अटेंड करने गई थी, तो मानो इंडियन BTS आर्मी क्रेजी हो गई। और तब से सबका यही सवाल आ रहा है कि क्या सच में दिशा पटानी जंगकुक से मिली, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कोरियन सेलिब्रिटीज के साथ कुछ फोटोज तो शेयर किए हैं, लेकिन इसमें जंगकुक कहीं भी नहीं। तो आर्मी, मुझे लगता है कि इंडियन फैंस का इंडियन सेलिब्रिटी और जंगकुक को एक साथ देखने का ये सपना अभी अधूरा रह गया है, क्योंकि अगर दिशा पटानी जंगकुक से मिली होती तो वो खुद भी इतनी बड़ी BTS आर्मी है कि वो उनका फोटो जरूर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती। तो मुझे लगता है दिशा पटानी या तो इस इवेंट में काफी लेट पहुंची और जंगकुक तब तक इस इवेंट को अटेंड कर निकल चुके थे, या फिर दिशा पटानी जंगकुक से पहले पहुंची थी और वो उनसे नहीं मिल पाई। तो ऐसा ही लगता है कि इंडियन फैंस अपने सपने के करीब तो पहुंचे, लेकिन इस बार फिर से ये नहीं हो पाया। शायद जंगकुक और दिशा की टाइमिंग नहीं मिली, या हो सकता है दोनों एक ही इवेंट में साथ में हो लेकिन दिशा को उनके साथ फोटोज कराने का टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि जंगकुक के शो की मेन हाईलाइट थे। तो इंडियन आर्मी थोड़ा मायूस जरूर होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी काफी सारे इस तरह के इवेंट्स आने वाले हैं जहां हमें ये अनबिलीवेबल नजारा देखने को मिल सकता है। बाकी जब आपको पता चला कि दिशा पटानी और जंगकुक एक ही साथ एक इवेंट में थे, तो आपका रिएक्शन क्या था? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।